फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल रिकर्जन की मदद से कैसे फाइंड करें। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फैक्टोरियल रिकर्जन की मदद से कैसे वर्क करता है वो देखा था। अभी रिकर्जन का मतलब होता है कि फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे, यानी कि हमें मेन के अलावा कोई एक और फंक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं फैक्ट, और उसके अंदर जिस किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है वो एज अ पैरामीटर के तौर पे इंसर्ट कर लें। लेट अस से इंटीजर n। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो हमें n की वैल्यू को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसके अंदर हमने देखा था कि अगर n की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर 0 का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम सिंपली यहां से 1 को रिटर्न कर देते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम n into fact of n minus 1 को रिटर्न कर देते हैं। अभी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल भी कोई नंबर ही होगा, यानी कि हम यहाँ से आइदर 1 रिटर्न करते हैं, आइदर कोई नंबर रिटर्न करते हैं, यानी कि हमें इस फंक्शन के रिटर्न टाइप के तौर पे भी कोई नंबर वाले डेटा टाइप ही लिखनी पड़ेगी। अभी नंबर वाले डेटा टाइप के अंदर हम देखने जाए तो हमारे पास इंटीजर के अलावा लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल भी है, लेकिन फैक्टोरियल की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के अंदर नहीं आती है, इसी वजह से हम यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप के तौर पे लॉन्ग इंटीजर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने हमारे फंक्शन का लॉजिक लिख दिया है। अभी जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिख दी है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन भी हम यहाँ पे लिखना चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि लॉन्ग इंटीजर फैक्ट और उसके अंदर एक पैरामीटर लेट अस से इंटीजर, और फंक्शन कॉलिंग हम मेन के अंदर से करते हैं लेट अस से फैक्ट, जिसके अंदर हम पैरामीटर के तौर पर पास करते हैं लेट अस से n, और ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करता है तो हम जो भी रिटर्न करी हुई वैल्यू है उसको f नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। नाउ फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम clr str स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी फंक्शन कॉलिंग के अंदर जो n और f नाम के वेरिएबल को हमने यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे n पास कर रहे हैं और वो n इंटीजर है, तो यहाँ पे भी हम n को एज अ इंटीजर के तौर पे ही डिक्लेयर कर देते हैं, और फंक्शन की रिटर्न टाइप लॉन्ग इंटीजर होने की वजह से हम f को लॉन्ग इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए जो हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे, तो जिसके लिए हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n, और उसके बाद हम एक स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n, एंड देन जो भी हमारी f की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स से परसेंटेज d फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू परसेंटेज ld, और फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम एन से और परसेंटेज एल डी की वैल्यू हम एफ से रिप्लेस कर देते हैं, एंड देन हमारे प्रोग्राम को हम एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं एन की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूँ तो हमें आउटपुट के तौर पे मिलना है 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं एन के तौर पे 10 इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 36288800, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और n की वैल्यू हम 0 इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू रिकर्जन की मदद से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।